मेरे से पूर्व हमारे अध्यक्ष समीर मोहंती जी ने और बहुत विस्तृत से धर्मेंद्र प्रधान जी ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप सब लोग जो यहां उपस्थित हैं, फिर चाहे वो शक्ति केंद्र के प्रमुख हो, शक्ति केंद्र के प्रभारी हो, आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं सौभाग्यशाली इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य बनने का मौका मिला है, कार्यकर्ता बनने का। आज मित्रों हम 18 करोड़ की पार्टी है, दुनिया में कोई पार्टी इतनी बड़ी नहीं है। और दूसरी बात कि हम एक वैचारिक राष्ट्रीय पार्टी है। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत इतना बड़ा प्रजातंत्र, यहां राष्ट्रीय पार्टियां रह नहीं गई है, सब सिकुड़ गई, सारी राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में सिमटती चली गई और कोई भी पार्टी वैचारिक पार्टी नहीं रह गई है। अगर राष्ट्रीय पार्टी है और वैचारिक पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, इस बात को याद रखना चाहिए। और मित्रों हमारी पार्टी वैचारिक तारतम्यता एक साथ रख करके चलने वाली पार्टी है। अगर हमारे नेताओं ने 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में कुछ कहा तो 2021 में, 2022 में, 2020 में, 2019 में हम उसी बात को लेकर के चलते रहे और अपना जीवन लगा दिया, 4-4 पीढ़ियां खप गई, लेकिन विचार को नहीं छोड़ा, विचार के साथ चलते रहे, ये भारतीय जनता पार्टी। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे इसके लिए बलिदान दिया तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी की रणनीति के साथ धारा 370 को धाराशाही कर दिया और बलिदान को पूरा किया। मित्रों अगर मैं बात करूं, अभी अभी हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, जन्म जयंती मनाई है 25 तारीख को। अगर दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद को आगे रखा तो हमारी सरकारों ने अंत्योदय के माध्यम से गरीब का भला करने का प्रयास किया और आज मोदी जी के नेतृत्व में उसी मंत्र को लेकर हम चले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मित्रों अगर हमने 1951 में कहा एकता में अनेकता, देश एक है, भाषाएं अलग अलग हैं, खान पान अलग अलग है, सबको एक सूत्र में पिरो करके चलेंगे, मजबूत देश बनाएंगे और क्षेत्र का भी पूरा ध्यान रखेंगे, नेशन फर्स्ट लेकिन रीजनल एस्पिरेशंस को ध्यान में रखेंगे, इस मंत्र को भी लेकर के हम चलते रहे।